काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मंदिरों और घाटों का शहर वाराणसी अपने खाद्य पदार्थों के लिए भी विश्वविख्यात है। यहाँ पर कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ आकर खाने में पसंद करते हैं। ऐसा ही एक फल है आम की प्रजाति लंगड़ा आम। इसके लिए बनारस में एक लोकोक्ति है जो बहुत प्रचलित है, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ का धाम, मरने पर गंगा मिले जियते लंगड़ा आम। धार्मिक नगरी काशी, श्री काशी विश्वनाथ गंगा के घाट सकरी गलियों के साथ साथ अपने खान पान के लिए भी जानी पहचानी जाती है। बनारस के स्वादिष्ट व्यंजनों में बनारस का प्रसिद्ध लंगड़ा आम भी काफी लोकप्रिय है। बनारसी लंगड़ा आम की उत्पत्ति के बारे में लोकमानस में कई कहानियां प्रचलित हैं। यह लंगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे पहले यह कचहरी के पास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परिसर है उसमें, कहते हैं, किंवदंती है कि कोई लंगड़ा बाबा थे जो उसको लगाए थे, बनाए थे, और वो आम आगे जाकर के फला और वो उसने बढ़ बढ़ के प्रसिद्धि प्राप्त की और उन्हीं बाबा के नाते उसको लंगड़ा कह दिया गया। वैसे शकल से वो तगड़ा होता है, सुंदर होता है, लंगड़ा नहीं होता, लेकिन अब नाम पड़ा है उसका तो उसको लंगड़ा आम कहते हैं। उसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। माना जाता है कि बनारसी लंगड़ा आम की खेती की शुरुआत लगभग 250 साल पहले वाराणसी के एक शिव मंदिर परिसर में हुई थी। इस स्थानीय आम का अनोखा स्वाद इस क्षेत्र के पानी और मिट्टी की संरचना के कारण है। वर्ष 1950 में आम के फलों को राष्ट्रीय फलों के रूप में अपनाया गया। आम के फल का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका, जिसे प्यार से फलों का राजा भी कहा जाता है। बनारसी लंगड़ा आम अपनी कुछ विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जैसे ये नीचे से हल्का नुकीला होता है, इसका छिलका पतला होता है, गुठली छोटी होती है। इस आम की एक और खासियत है कि ये पकने के बाद भी हरे रंग का होता है। लंगड़ा आम भैया हमें बनारस का ये खासियत है, इसका गुठली पतला होता है और गुदा अधिक होता है और पतला इसका छिलका भी होता है। अब मीठा में तो बोलिए मत, सब आमों में राजा हमारा लंगड़ा है और बनारस का। बनारसी लंगड़ा आम के बगीचे वाराणसी के चिरई गांव, अराजी लाइन, बड़ा गांव और हरहुआ क्षेत्रों में बहुतायत में देखे जाते हैं। इसकी उपज आम तौर पर जून के मध्य से जुलाई के आखिर तक होती है। बनारसी लंगड़ा, क्योंकि लंगड़ा की जो प्रजाति है वाराणसी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ का जो दूधिया लंगड़ा होता है इसके ऊपर जब हम देखते हैं लंगड़ा के ऊपर तो ये दूध टाइप का, पाउडर टाइप का आपको दिखाई देगा। ये नेचुरल अपने आप इसमें आता है ये, और इसका फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया होता है। इस वजह से इसकी काफ़ी पहचान है, काफ़ी मांग है और आम जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है ये। उत्तर प्रदेश के अलावा लंगड़ा आम बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी उगाया जाता है। उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों और बिहार में लंगड़ा आम को मालदा आम के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा शहर और पटना जिले के दीघा क्षेत्र को संदर्भित करता है। खान पान के शौकीनों के बीच खासा लोकप्रिय इस बनारसी आम का स्वाद GI टैग पाने के बाद और बढ़ गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक टैग से लंगड़ा आम की गुणवत्ता संग उसके व्यापार में भी फायदा हुआ है। विदेशों में भी इसकी काफ़ी मांग अब आ रही है। पिछले साल इसका निर्यात भी किया गया था और इस साल भी इसके अच्छी निर्यात होने की संभावना है। अब पिछले साल तो खाड़ी देशों में आम, लंगड़ा आम का निर्यात हुआ था, वहाँ चूँकि काफ़ी भारतीय हैं इसलिए इसकी, और पिछले बार ट्रायल के रूप में था और अब इस साल तो हमारा पैक हाउस भी एक्टिवेट हो गया है, तो जो भी आम की ट्रीटमेंट है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करा करके पश्चिमी देशों में, यूरोप में भी भेजने का ऐसा प्रयास करें। बनारसी तो आम खाने के शौकीन हैं, मस्ती में बतियाते भी हैं, का राजा लंगड़ा खात हुआ, कैसन हो, मस्त हो ना,
ई है बनारसी लंगड़ा आम की विशेषता। काशी जो है इस धरती में सचमुच में बेजोड़ है, सचमुच तीनों लोक में अनुपम काशी धाम। मरो तो गंगा जल मिले और जियो तो लंगड़ा आम। जियो तो लंगड़ा आम, चकाचक छानो बूटी, मिली स्वर्ग भी मालिक जब तनी हवा छूटी। कहते राम अवतार लगे नित दंड बैठ की यार, क्या चिंता जब विश्वनाथ है माँ गंगा की धार। योग आध्यात्म का साधन है, ये उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। विश्व की प्राचीन नगरी काशी ने इसके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसका आरंभ होता है आदि योगी शिव से, जो आज भी चला आ रहा है। यहाँ के सांसद और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग को विश्व पटल पर पहचान मिली है। काशी भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति की धरोहर है। काशी साधकों की भूमि रही है, काशी ज्ञान की भूमि है। काश्यते इति काशी, जहां पर ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। काशी को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में योग की कल्पना आत्म साक्षात्कार और आत्मा और परमात्मा के मिलन और कैवल्य प्राप्ति के साधन इत्यादि के रूप में की गई है। गंगा के निर्मल और अविरल प्रवाहमान धारा के किनारे बसी काशी भगवान शिव की नगरी के रूप में कई सहस्त्राब्दियों से विश्वविख्यात है। भगवान भोलेनाथ को आदियोगी माना जाता है। भोलेनाथ की कई मुद्राएं योग साधना की प्रतिकृति हैं। भगवान शिव के नटराज का स्वरूप नृत्य योग को प्रदर्शित करता है। योग पर एक शिव संहिता नाम का ग्रंथ भी है, जिसे शिव से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि और उनके गुरु पाणिनी कई वर्षों तक काशी में रहे हैं। काशी में उन्हें बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम से जाना जाता है। काशी के जैतपुरा मोहल्ले में स्थित नागकुआं इनका आश्रय स्थल था। अनादिकाल से यहाँ एक कुंड है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने इस कुंड में एक शिवलिंग स्थापित किया था। इस कुंड के नीचे शिव जी का शिवलिंग है, जो कि महर्षि पतंजलि ऋषि जी द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है और ये अनादि कालों से है। महर्षि पतंजलि ने अपनी कृति योग सूत्र में योग को एक प्रयत्न माना है, जो व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाता है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शन में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांग योग मार्ग भी कहते हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, तो उसमें अष्टांग योग एक बहुत ही उत्तम साधन है, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ योग है, जो जिसमें 8 अंग हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन सभी जो अंगों हैं, अंगों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल योग में केवल आसन और प्राणायाम कर लें या थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाएं तो वो एक योग हो गया, ऐसा नहीं। अंतरंग और बहिरंग ये योग के दो भेद हैं। अष्टांग योग की 5 प्राथमिक क्रियाओं को बहिरंग योग कहा जाता है और बाद के जो 3 हैं उन्हें अंतरंग योग कहा जाता है। योग की अवधारणा है शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना, मन के दोषों को दूर करना, शरीर के दोषों को दूर करना। इस प्रकार योग की एक समग्र अवधारणा है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में निहित है। पुराणों में भी योग की चर्चा की गई है। अनेक ग्रंथ हैं जो कि योग की चर्चा के बिना पूरे नहीं होते हैं।
आज से 2000 वर्ष पहले तक सारा का सारा जो वांग्मय है, चाहे वो महाभारत है, हाँ, चाहे वह रामायण है, सब में क्रम से योग का जितना विस्तार है वह पूरी तरह से उपस्थापित होता गया, उसके प्रकार उपस्थापित होते गए कि किस प्रकार से योग को, जिस योग में जिन जिन तत्वों को हम लोग जिस जिस रूप में कहते हैं उनको वहाँ पर यज्ञ के रूप में लिया गया। योग स्वस्थ, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक प्राचीन ज्ञान है। योग मनुष्य को आंतरिक शांति और आत्मीय ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। योग और योगासन ये एकदम अलग दर्शन है, एक ही का हिस्सा है, योग का ही हिस्सा है, मगर वो योगासन सामान्य जनों के लिए है, योग साधक के लिए है या साधना के प्रयास करने वाले के लिए है। योग केवल सनातन परंपरा का ही अंग नहीं है, अपितु योग को बौद्ध परंपरा से भी जोड़ा गया है, योग को जैन परंपरा से भी जोड़ा गया है। हमारी सनातन परंपरा में देवी भागवत का एक श्लोक है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत। तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्रणव जो है वो धनुष है और आत्मा जो है वो तीर है और उसका लक्ष्य जो है ब्रह्म है, अप्रमाद पूर्वक उसको वेधन करना है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर योग का जो चरम लक्ष्य है उस चरम लक्ष्य को बताया गया है। बौद्ध धर्म में एक मजबूत योग परंपरा है जिसे सदियों से निर्बाध रूप से रखा गया है और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अभ्यास किया गया है। बुद्ध स्वयं एक महान योगी थे। बौद्ध धर्म का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ। बौद्ध धर्म में साधना विधि का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार समाधि से चित्त एकाग्र हो जाने पर प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। योग में भी कहा गया है कि समाधि में सिद्ध होने से योगियों को अलौकिक ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश काशी के सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है। योग में प्राणायाम, आसन और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और श्वास को एक सामंजस्य बनाए रखता है, उसको योग कहते हैं। और बौद्धों के जो योग या ध्यान या समाधि कहे, भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से जो भगवान बुद्ध की जो जितने भी उपदेश हैं वो सब जो है तीन शिक्षाओं में समाहित होता है, शील, समाधि, प्रज्ञा। इतिहास से पता चलता है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हठ योग, शारीरिक अभ्यास और राजयोग का एक संयोजन था। योग और बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक जड़ एक ही है। भगवान बुद्ध का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिलवस्तु से बोधगया है। बोधगया आकर उन्होंने काफ़ी लंबी समय तक योग साधना की। उनका ध्यान योग उन्हें बुद्धत्व को प्राप्त कराया। तत्पश्चात उनकी जितनी भी मूर्तियाँ मिली हर जगह जहाँ वो बैठे हुए दिखाए गए हैं, पद्मासन में दिखाए गए हैं, उनके हाथों के जितने भी योगिक मुद्राएं हैं, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो, चाहे वो भरत मुद्रा हो, चाहे वो अभय मुद्रा हो, इस प्रकार जितने भी मुद्राएं हैं सब योग शास्त्र की मुद्राएं हैं। भारतीय योग में जैन योग का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन योग की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। पूरे देश में तीर्थंकरों की जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सब योग मुद्रा में ही मिलती हैं।
और योग मुद्रा वाली ही पूज्यनीय है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 4 की जन्मभूमि काशी ही है। जैन धर्म में यूं तो सभी तीर्थंकरों का आदर और सम्मान है, लेकिन 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का विशेष स्थान है। भगवान पार्श्वनाथ का भव्य मंदिर भेलूपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मान स्तंभ भी है। इस स्थान को शास्त्रानुसार 4 कल्याणक की भूमि माना गया है। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का मंदिर पवित्र गंगा के तट पर जैन घाट स्थित दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में स्थापित है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर वाराणसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंद्रावती गांव में स्थापित है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का मंदिर सारंगनाथ क्षेत्र में बना हुआ है। जैन योग बहुत प्राचीन है और सभी तीर्थंकरों ने इसी योग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा ही मोक्ष पद को, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, वो पद प्राप्त किया है। ये कहा गया है कि जैन धर्म में कि जो मोक्ष की सिद्धि होती है तो वो होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इससे, मगर इसको हम ये भी कह सकते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योग मार्ग, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो भक्ति योग है, जो श्रद्धा का योग है, और ज्ञान दूसरे जो है सम्यक दर्शन को हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं, और सम्यक चारित्र को हम इसका कर्म योग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें योग की सिद्धि होती है और इसका बहुत प्राचीन समृद्ध परंपरा है। भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात योग से व्यक्ति के कर्मों में कुशलता आती है। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 योग मुख्य हैं, जिसका वास्ता मनुष्य से अधिक होता है। महाभारत में योग की चर्चा के बाद फिर ये विलुप्त सा हो गया था, लेकिन राजऋषियों और महर्षियों ने इसे पुनः शुरू किया। समय के प्रवाह के साथ साथ काशी में 19वीं से 20वीं सदी के बीच कई योगाचार्य हुए, जिसमें विशुद्धानंद परमहंस, जिनका आश्रम वाराणसी के मलदहिया क्षेत्र स्थित है, काशी के जंगमबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले श्यामाचरण लहरी, जिन्होंने सभी धर्मों में योग के महत्व को समझाया। काशी के 80 घाट पर सुबह बनारस के मंच से नियमित योग अभ्यास का आयोजन होता रहा है। 80 घाट पर सुबह बनारस संस्था द्वारा आयोजित भोर की दिव्य आरती के पश्चात यहाँ हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोग योग के माध्यम से अपना जीवन बेहतर बनाने का सार्थक प्रयास करते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी योग का लाभ लेते रहे हैं। यहाँ योग गुरु लोगों को योग के विभिन्न आसनों के बारे में बताते हैं और उपस्थित लोगों को इसका अभ्यास भी कराते हैं। वाराणसी के नदेसर स्थित नेहरू पार्क में योग प्रशिक्षक लोगों को योग का अभ्यास कराते हैं। वो लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लोगों को मुफ्त में योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ योगा अभ्यास करने वाले लोग कई बीमारियों से छुटकारा भी पा चुके हैं। योगा अभ्यास में एक जल नेति क्रिया होती है, ये साइनस के लिए बहुत लाभदायक है। इसके नियमित अभ्यास से सर्दी जुकाम से बचा जा सकता है। भारतीय योग ने विश्व क्षितिज पर एक नई छलांग लगाई है, इसमें भी काशी का बहुमूल्य योगदान है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिनांक 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में योग की चर्चा की। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन
व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया। प्रधानमंत्री के प्रयासों का परिणाम है कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र योग का केंद्र बन चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक काशीवासी जुड़कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।